चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे देश ने युद्ध के मोर्चे पर, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर भी अपनी आधुनिक क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और ये ड्रोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने अपने सबसे घातक ड्रोन का सफल परीक्षण किया, और इस ड्रोन को ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर भी कहते हैं। ये उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में टेस्ट रेंज में भरी गई, और इस फाइटर एयरक्राफ्ट या ड्रोन की खास बात यह है कि ये ऑटोमेटिक है, यानी बिना पायलट के उड़ान भर सकता है, और इसका इस्तेमाल मिसाइल लॉन्च के लिए भी हो सकता है, और इसकी मदद से दुश्मन की लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी ये ड्रोन आसमान में भारत की शक्ति का जबरदस्त विस्तार करेगा। भविष्य के किसी भी युद्ध में ड्रोन तथा UAV का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें एक पायलट को यानी ग्राउंड कंट्रोलर को जमीन से रिमोट के द्वारा इस UAV को या ड्रोन को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन आज जो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर DRDO ने उड़ाया, उसका मतलब ये है कि अब भारत में हम ऐसे ड्रोन को या ऐसे UAV को भविष्य में बना पाएंगे जिसके लिए कोई भी मानव मैन इन लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। भविष्य में आने वाले खतरों को देखते हुए DRDO द्वारा बनाया गया ये ड्रोन अमेरिका के B-2 बमवर्षक की तरह दिखता है। पूरी तरह स्वचालित इस विमान ने खुद ही टेक ऑफ लिया, उड़ान भरी और आसानी से लैंडिंग की।